मुरादाबाद की पाकबड़ा नगर पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए शौचालयों के निर्माण में धांधली का आरोप लगाते हुए युवाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शौचालयों के निर्माण में धांधली का आरोप लगाते हुए सभासद पुत्र नदीम ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पंचायत पाकबड़ा में 497 शौचालयों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की गई थी, लेकिन धरातल पर सभी शौचालयों का निर्माण नहीं कराया गया है। उन्होंने बताया कि 8 महीने पहले SDM की दी गई शिकायत की तहसीलदार से जांच कराया जाने पर अधिशासी अधिकारी को दोषी पाया गया था, जिसने बिना शौचालय बने ही उनके निर्माण की रिपोर्ट लगा दी थी, लेकिन अभी तक दोषी अधिकारी के खिलाफ ना तो कार्रवाई ही हुई है और ना ही शौचालय ही बनाए गए हैं। कार्य ये था कि एक हमें जिला अधिकारी साहब को एक लेटर देना था, प्रधानमंत्री स्वच्छ मिशन के अंतर्गत कुछ शौचालय बनाए गए थे नगर पंचायत में, 497 शौचालय बनाए गए थे, जो कि धरातल मौके पर इतने शौचालय नहीं बने, कम से कम 30 से 40 शौचालयों का घोटाला है, जिसका हमने लेटर उप जिलाधिकारी SDM साहब को दिया था 8 महीने पहले, जिसमें लेखपाल साहब का और नायब तहसीलदार का सर्वे हुआ था और सर्वे में दोषी पाए गए अधिशासी अधिकारी, जिसमें शौचालय नहीं बने गए थे, उसकी रिपोर्ट भी लगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही उनके शौचालय बने। क्या वजह है जो नहीं बने और कैसे पता आपको घोटाला हुआ है? घोटाला इसलिए हुआ है क्योंकि अकाउंट से पूरा भुगतान उसको कर दिया गया ठेकेदार को, और जो हमारे पास लिस्ट आई थी शौचालयों की कि इनके शौचालय बन गए, हमने उनका सर्वे करा अपने वार्ड में, हमने देखा कि हाँ इनके शौचालय बने या नहीं बने, लेकिन मौके पे जाके देखा तो उनके कोई शौचालय नहीं बने। कौन ठेकेदार हैं? चरण सिंह ठेकेदार हैं। ये ठेकेदारी कर रहे हैं कम से कम 2 साल इन्होंने ठेकेदारी करी, अब ये ठेकेदारी नहीं कर रहे हैं फिलहाल में। हम कार्रवाई चाहते हैं अधिशासी अधिकारी के खिलाफ और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो और गरीबों को उनका हक मिले। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वच्छ भारत के हमने सारे शौचालय बनवा दिए, कोई भी खुले में शौच नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी लोग कमी है अधिशासी अधिकारी की, खुले में शौच कर रहे हैं लोग, जंगलों में जा रहे हैं शौच करने के लिए, स्थिति बहुत ख़राब है। इससे पहले हमने ज्ञापन दिया था, DM साहब को भी दिया था, हमने उप जिला अधिकारी को दिया था ज्ञापन इससे पहले, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं हुई, हमने अब DM साहब को ज्ञापन दिया है।